नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम ने किया आपदाग्रस्त थाने का दौरा, उपमंडल के संपर्क मार्गों को जल्द बहाल करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कुल्लू जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र आने का दौरा किया और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त भवनों का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी, रहने खाने पीने और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि अस्थायी शिविर में रहने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 60 घंटे से कुल्लू मनाली और लाहौल का कटा है सड़क संपर्क। मंडी में 4,000 घरों को खतरा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन तबाही का दौर और दुश्वारियां नहीं थम रही। शुक्रवार को 7 घंटे के बाद भी कुल्लू मनाली और लाहौल घाटी का सड़क संपर्क कटा रहा। कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे के अलावा सभी वैकल्पिक मार्ग तीसरे दिन भी बंद रहे। हिमाचल ने बरसात में 6,746.93 करोड़ के नुकसान का गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव, आर्थिक मदद मांगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बरसात के दौरान 6,746.93 करोड़ रुपए के नुकसान होने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया। 10 अगस्त तक हुए नुकसान के आधार पर आर्थिक सहायता देने की केंद्र सरकार से मांग की गई है। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आपदा के बाद की जरूरतों का आकलन करने में राज्य की सहायता का आग्रह किया है, ताकि पुनर्निर्माण और पुनर्वास गतिविधियों के लिए केंद्र से सहायता मांगी जा सके। अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारियों को मिला सेवा विस्तार, सरकार ने जारी किए आदेश। अस्पतालों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा विस्तार के लिखित आदेश सरकार ने शुक्रवार को जारी कर दिए। हालांकि आदेशों में स्पष्ट किया गया कि ये सेवा विस्तार सिर्फ 30 सितंबर तक होगा। आईजीएमसी, डीडीयू, केएनएच समेत पूरे प्रदेश भर में 1,893 कर्मचारियों को कोरोना काल में आउटसोर्स पर अस्पतालों में रखा गया था। सबसे अधिक 250 आईजीएमसी में कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। वजन के हिसाब से सेब नहीं बेचने वाले आढ़तियों को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उपज विपणन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कृषि उपज विपणन समिति ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 2 आढ़तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह आढ़ती लंबे समय से मंडी में सेब खरीद कर रहा था। विधायक की सिफारिश पर हुए तबादला आदेश, हिमाचल हाईकोर्ट से रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक की सिफारिश पर हुए तबादला आदेश रद्द कर दिए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने संजीव कुमार की याचिका को स्वीकार किया। याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग की ओर से 2 अगस्त 2023 को जारी किए गए तबादला आदेशों को चुनौती दी थी। अदालत को बताया गया था कि याचिकाकर्ता को प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति के बाद 3 फरवरी 2021 को हमीरपुर जिले के जगरैनी स्कूल में तैनात किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग ने प्रतिवादी रामेश्वर नाथ को याचिकाकर्ता के स्थान पर स्थानांतरित किया है। 2 बच्चों की संख्या वाले 143 स्कूल जी नोटिफाई, 20 दोबारा खोले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 बच्चों की संख्या वाले 143 स्कूल जी नोटिफाई किए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 117 प्राथमिक विद्यालय और 26 माध्यमिक विद्यालय बंद किए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए। फोरलेन बहाली के लिए उठाए गए कदमों की हिमाचल हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सूबे के फोरलेन की बहाली के लिए परिवहन मंत्रालय की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी तलब की। अदालत ने भारत के सॉलिसिटर जनरल को इस संबंध में शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 4 सितंबर को निर्धारित की है। मरम्मत शुरू, 5 सितंबर तक बहाल हो सकता है कालका शिमला रेल ट्रैक। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक को 5 सितंबर तक बहाल करने का दावा रेलवे बोर्ड ने किया है। बरसात से हुए नुकसान को देखने के लिए रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों की टीम भी ट्रैक का मुआयना कर चुकी है। कई जगहों में कार्य को शुरू करवा दिया गया, जबकि कंडा घाट से शिमला के बीच भी ट्रैक से पेड़ और मलबा हटाने का कार्य शुरू हो गया है। मंडी संसदीय क्षेत्र में 599.55 करोड़ से बनेगी 54 सड़कें।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तृतीय चरण के 54 सड़कें स्वीकृत कर दी हैं। इन पर 599.55 करोड़ खर्च होंगे। प्रतिभा सिंह ने इन 54 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति करने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का आभार व्यक्त किया। आरएस बाली बोले, दाढ़ी में बनेगा मेजर दुर्गामल्ल, कैप्टन थापा की स्मृति में संग्रहालय। पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि पर्यटन विभाग के माध्यम से धर्मशाला के दाढ़ी में शहीद मेजर दुर्गामल्ल कैप्टन दल बहादुर थापा की स्मृति में संग्रहालय निर्मित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संग्रहालय के निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। आरएस बाली ने दाढ़ी में शहीद मेजर दुर्गामल्ल कैप्टन दल बहादुर थापा स्मृति मंच की ओर से शहीदी दिवस में कहा कि हिमाचल वीर भूमि रही है, आजादी के संघर्ष में हिमाचल के वीर सपूतों का अमूल्य योगदान रहा है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने स्थगित किया एमएड और एमए एजुकेशन की काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 26 से 28 अगस्त तक होने वाली एमए एजुकेशन और एमएड की काउंसलिंग स्थगित कर दी। विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार अत्री ने बताया कि प्रदेश में हुई भारी बारिश और इससे बने मुश्किल हालातों को देखते हुए प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित की गई। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू बोले, एमआईएस के तहत 1,43,778 मीट्रिक टन सेब खरीदेंगे। इस सेब सीजन में सरकार एमआईएस के तहत 1,43,778 मीट्रिक टन सेब खरीदेगी। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार ने सेब उत्पादकों को लाभ देने के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10.50 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है। दो फर्जी पत्रकारों ने ठगे डॉक्टर से 25,000, ड्रग विभाग ने सील किया क्लिनिक। लक्कड़ डिपो बद्दी के पास क्लिनिक चला रही एक डॉक्टर से दो फर्जी पत्रकारों ने 25,000 ठग लिए। जानकारी के अनुसार उक्त डॉक्टर के पास दो लोग आए, वे अपने आप को पत्रकार बताकर पहले क्लिनिक का वीडियो बनाने लगे और डॉक्टर को कहने लगे कि तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं, तुम बिना डिग्री के क्लिनिक चला रही हो। आपसी कहासुनी के बाद उन्होंने इसकी सूचना ड्रग विभाग को दी। ड्रग इंस्पेक्टर पुलिस को साथ लेकर उक्त क्लिनिक पर पहुंचा और क्लिनिक को दवाइयों समेत सील कर दिया। हिमाचल में बारिश का कहर, शिमला में 8 प्रमुख सड़कें ब्लॉक, कई जगह भूस्खलन और बादल फटने से तबाही। भारी बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला और इसके आसपास के इलाकों में 8 प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था निलंबित कर दी गई। ये जानकारी पुलिस ने दी है। शिमला पुलिस ने एक्स ट्विटर पर ब्लॉक हुई सड़कों से जुड़ी सारी जानकारी साझा की है। बेटी का जन्म होने पर हिमाचल सरकार देती है 10,000 रुपए, इस तरह से कर सकते हैं आवेदन। देश में बेटियों को उनका हक दिलवाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। अलग अलग राज्यों में ऐसी ही योजनाएं हैं। केंद्र सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, बेटियां अनमोल होती हैं। हिमाचल सरकार ने इस कड़ी में जुड़कर बेटी है अनमोल योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश भर की लड़कियों के पढ़ने का उत्साह बरकरार रखा है। हिमाचल सरकार की ये योजना बेटियों को पढ़ाने में आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।